हाँ जी, सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हमारी इस इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। ठीक है ना, आ जाओ भी सारे, जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे। करते हैं फिर अपने टॉपिक को शुरू। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। अरे आप जल्दी करो भाई। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है भाई? आज हमारा टॉपिक है कारक का, क्योंकि कल हमने जो बच्चे का टॉपिक है ना वो कंप्लीट कर लिया था ना। और आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा, हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट बच्चे का। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं कारक का टॉपिक स्टार्ट। तो कारक कहते किसे हैं? कारक का मतलब है क्रिया को करने वाला। कारक शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? क्रिया को करने वाला। जो क्रिया को करने वाला होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है ना, क्रिया को करने वाला उसको हम कारक बोलते हैं। तो देखो, जो कारक होते हैं वो क्या काम करते हैं? हम कारक का टॉपिक क्यों पढ़ते हैं हिंदी के अंदर, और ये एग्जाम में आता भी बहुत बार है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि कारक कहते किसे हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है और ये एग्जाम में बार 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 आता है। कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर इतने मुश्किल वाली बात है। तो देखो, जो शब्द वाक्य में संज्ञा वे सर्वनाम का संबंध, संज्ञा वे सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ प्रकट करते हैं। उन्हें कारक कहा जाता है। उन्हें कारक कहा जाता है। ये कह रहा है कि जो वाक्य के अंदर संज्ञा आती है और सर्वनाम आता है, उसका जो संबंध है ना वो क्रिया के साथ प्रकट करते हैं, वो कारक होते हैं वे। ठीक है ना, कैसे? तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये बात। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगी क्या? जैसे हमने लिखा कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो देखो, यहां पर क्या करते हैं, ये जो मारा है ना, ये मारा क्या है? आप कहोगे मैडम ये तो क्रिया है, तो नेचुरल सी बात है, ये क्या है? ये क्रिया है। तो फिर इस क्रिया का किससे संबंध है? इस राम से, क्योंकि क्रिया को करने वाला कौन है? राम है, कर्ता। कर्ता, कर्ता का मतलब काम को करने वाला। ये जो मारना क्रिया है ना, इसको करने वाला यानी कि कर्ता कौन है? कर्ता इसके अंदर राम है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्रिया रावण क्या है? कर्म है। यानी कि ये जो क्रिया होगी ना, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? रावण पर पड़ेगा। रावण मर जाएगा, है ना। मैंने आपको क्या बताया कि जो कर्म होता है वो दो तरीकों से पहचाना जाता है। पहली बात तो क्या कि कर्म हमेशा घटेगा, कर्म हमेशा खराब होगा और कर्म हमेशा कम होगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या कि जिसको कर्ता चाहता है वो भी कर्म होता है। यानी कि बीचों बीच कोई ऐसा शब्द आ जाए जिसको कर्ता चाहता है, कर्ता पसंद करता है उस काम को करना। जैसे हमने कहा राम ने रावण को बाण से मारा, तो राम चाहता क्या है? रावण को मारना। और इसके लिए प्रयोग किसका किया जा रहा है? बाण का किया जा रहा है। हमने कहा श्याम रोटी खाता है क्योंकि श्याम रोटी को चाहता है खाना, उसको भूख लगी है, उसकी ये इच्छा है कि उसका पेट भर जाए तो वो रोटी खाएगा, है ना।
फिर हमने कहा सीता पत्र लिखती है क्योंकि सीता ऐसा चाहती है लिखना, सीता ने किसी को भेजना है पत्र तो वो लिख रही है, सीधी सी बात है। हमने कहा कि बकरी पत्ते खाती है तो बकरी चाहती है ना पत्तों को, उसको अच्छा लगता है पत्ते खाना क्योंकि भूख लगती है भाई, भूख तो जानवर को भी लगती है इंसानों को भी लगती है, तो जानवर जब भूख लगती है तो अपने मनपसंद चीज खाता है, बकरी पत्तों को खा रही है, उसको पत्ते खाना अच्छा लगता है। अब जैसे कह दिया भिखू जूते बना रहा है तो जूते बनाना भिखू को पसंद है, जूते बनाना भिखू को क्या है पसंद है, उसका काम है जूते बनाने का, तभी तो वो बना रहा है ना। अब मेरे लिए कह दे कि मैडम हिंदी पढ़ाती है क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ाने का चाव है, मुझे शौक है, मैं टीचर हूँ, मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, तो फिर ये क्या हो गया, ये मुझको मतलब चाहना हो गया ना। अब आप कहोगे मैडम अकर्मक में चाहना नहीं होता क्या, बिल्कुल नहीं। जैसे यूं कह दिया जाए कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी आकाश को कोई चाहते थोड़ी ना है, वो तो उड़ना चाहते हैं तो उड़ रहे हैं, यानी कि वो क्रिया को ही चाहते हैं, इसलिए तो वो अकर्म क्रिया है, उसमें कर्म नहीं है। आ रहा है ना सबको समझ में, उसमें क्या नहीं है, कर्म नहीं है, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ना चाह रहे हैं। हमने कहा मोहन पलंग पर सोता है क्योंकि वो सोना चाहता है, वो पलंग तो वो थोड़ी ना चाहता है, पलंग से उसको थोड़ी ना कोई प्यार है कि वो पलंग पे ही सोएगा, हाँ सोना चाहता है, नींद से प्यार है भाई, है ना, नींद से क्या है प्यार है। हमने कहा राधा जोर जोर से रोती है, तो अब राधा जो है वो रोना चाहती है ना, वो क्रिया को चाहती है, जोर जोर कोई बात थोड़ी ना है, क्या वो जोर जोर से चाहती है, नहीं वो तो रो रही है जोर जोर से, तो मतलब दुख इतना ज्यादा है कि जोर जोर से रो रही है। तो समझ में आया सहकर्मक और अकर्मक का, मैंने आपको हर तरह से तरीका बता दिया, तो मैंने आपको तरीके बताए, पहला तो क्या कि कर्म घटेगा, कर्म कम होगा और कर्म क्या होगा खराब होगा, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि जिसको कर्ता चाहता है वो कर्म होता है। अगर बीच में कोई ऐसा आ जाए कोई शब्द जिसको कर्ता चाहेगा तो वो क्या होता है, वो कर्म होता है बच्चों। तो बात हमारी यहाँ पर क्या चल रही थी, कर्ता के ऊपर और कर्म के ऊपर, तो कर्म क्या है, रावण है, क्रिया से संबंध है ना। अब ये मारना क्रिया संपन्न किससे हुई, बाण से, किससे हुई ये मारना, ये बाण से हुई, तो मारना क्रिया का राम से भी संबंध है, रावण से भी इसका संबंध है और बाण से भी है ना। तो फिर इस संबंध को प्रकट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, कारक चिन्ह लगाते हैं, इस संबंध को प्रकट करने के लिए क्या लगाते हैं, कारक चिन्ह लगाते हैं। यहां पर कारक चिन्ह क्या है, ने, यहां पर क्या है को, और यहां क्या है भाई से, यानी कि ने को और से ये तीनों क्या है, ये तीनों कारक चिन्ह, कारक चिन्ह के बगैर वाक्य अधूरा है। जब तक किसी वाक्य के अंदर कारक चिन्ह नहीं होते ना, तब तक वो क्या होता है, तब तक वो अधूरा होता है भाई वो वाक्य। अगर मैं सीधा कह दूं राम रावण बाण मारा, तो सीधा बोल दूं कि राम रावण बाण मारा, तो क्या मेरा वाक्य सही है, आप कहोगे नहीं मैडम ये क्या वाक्य हुआ, राम रावण बाण मारा, मतलब हमें कारक चिन्हों की जरूरत पड़ती है, किसके अंदर वाक्य के, किसी भी वाक्य को कारक चिन्हों की आवश्यकता रहती है। और जो ये कारक चिन्ह होते हैं ना, जो ये कारक चिन्ह होते हैं, एक मिनट भाई, ये जो कारक चिन्ह होते हैं इनको विभक्ति भी बोलते हैं और इनको परसर्ग भी बोलते हैं, विभक्ति भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। अब आप कहोगे मैडम विभक्ति क्या है, परसर्ग क्या है, विभक्ति तो यही है ना, ने को से, ये विभक्ति है, परसर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाद में लगते हैं, परसर्ग, पर का मतलब होता है बाद में, पर का मतलब क्या है बाद में, और सर्ग का क्या मतलब होता है भाई, सृष्टि करना, सृष्टि करना, यानी कि ये बाद में लगते हैं, बाद में सृष्टि करते हैं नए शब्द की, है ना। अब देखो राम के बाद क्या लगा, ने, रावण के बाद क्या लगा, को, और बाण के बाद क्या लगा, से, इनसे पहले तो नहीं लगेंगे ना, ने राम तो नहीं होता ना, और ना ही को रावण होता और ना ही से वाण होता, यानी कि जहां पर क्या हो जाए कि इन संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगे कारक चिन्ह, इसीलिए इनको परसर्ग भी कहा जाता है।
एग्जाम में पजल मत हो जाना, कहीं पूछ ले कि कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है या विभक्ति चिन्हों का एक और नाम कौन सा होता है। परसर्ग होता है भाई, क्या होता है? परसर्ग होता है। ठीक है, तो चले आगे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको, थोड़ा सा नया सो टॉपिक है कि जो शब्द वाक्य में संज्ञा का व सर्वनाम का संबंध किसके साथ प्रकट करते हैं, क्रिया के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कारक कहा जाता है। ठीक है, और राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें जो क्रिया मारा है ना, इसका संबंध राम से भी है, रावण से भी है और बाण से भी है, तीनों से इसका क्या है? संबंध है। और यहां पर ने, को और से, ये तीनों क्या है? ये तीनों कारक चिन्ह है या विभक्ति चिन्ह है, या आप इनको परसर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, जो कारक होते हैं, कारक, कारक के भेद, कारक के भेद, कारक संख्या में आठ होते हैं। कारक कितने होते हैं? संख्या में आठ होते हैं। कारक के आठ भेद होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको। आठ भेदों में छह तो मुख्य कारक है, मुख्य कारक होते हैं कितने? छह। और गौण कारक कितने होते हैं? गौण कारक, गौण कारक भी दो होते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर आठ भेदों में छह तो होते हैं मुख्य कारक और दो क्या होते हैं? गौण कारक होते हैं। गौण का मतलब क्या है? सेकेंडरी। और मुख्य का मतलब क्या है? प्राइमरी। अब आपको छह प्राइमरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल गौण को याद कीजिए। गौण कौन कौन से होते हैं? एक तो संबंध और एक संबोधन। संबंध और जो संबोधन है, ये दोनों हिंदी के अंदर क्या माने जाते हैं? ये दोनों गौण कारक माने जाते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे बच गए, वो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे हमारे मुख्य कारक हैं, यानी कि प्राइमरी हैं। लेकिन ये जो दो होते हैं ना, ये क्या है? ये सेकेंडरी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कारक आठ होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले लिख लेते हैं कर्ता, कर्ता। अच्छा, एक बात और सुनिए, मैंने आपको बताया कि संबंध और संबोधन ये गौण कारक होते हैं। ऐसा क्यों क्यों होते हैं ये गौण कारक? क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्या माने जाते हैं? ये गौण कारक माने जाते हैं। इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होने के कारण किसका? एक तो संबंध का और एक संबोधन का, ये क्या माने जाते हैं? दोनों ये गौण कारक माने जाते हैं। अब हम करते हैं सबसे पहला कौन सा? कर्ता कारक। कर्ता यानी कि काम को करने वाला, और इसका चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने होता है, यानी कि काम को करने वाला, काम को करने वाला कर्ता होता है। जैसे हमने कहा कि राम ने पाठ पढ़ा, तो इसके अंदर कर्ता कौन है भाई? राम है। और ने क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है या परसर्ग है। अगर सीधा लिख दें कि राम भोजन खाता है, सीधा यूं भी लिख सकते हैं, राम भोजन खाता है, और अब आपको पूछे कर्ता क्या है, तो कर्ता तो भी राम ही है। जहां पर देखो पास्ट की बात हो, अगर भूतकाल की बात हो, तो कर्ता के बाद क्या आता है? ने कारक चिन्ह आता है। अगर भूतकाल की बात हो तो कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आएगा, लेकिन अगर वर्तमान काल की बात हो और आने वाले समय की बात हो तो कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह नहीं लगता। इसको क्या बोलते हैं? इसको शून्य परसर्ग बोलते हैं भाई, शून्य परसर्ग। पर इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता कि क्या शून्य परसर्ग क्या होता है। शून्य परसर्ग मतलब यहाँ पर परसर्ग नहीं लगा, लेकिन क्या राम करता नहीं है? राम करता तो अब भी है। अगर शून्य परसर्ग है तो क्या राम करता नहीं है क्या? आप कहोगे ना जी, करता तो राम अब भी है, क्योंकि भोजन को खाने वाला कौन है? खाना क्रिया कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम यहाँ पर करता माना जाएगा।
ठीक है, आपसे कैसे पूछेगा एग्जाम में कि सीता गीत गाती है, इसमें कर्ता बताओ, तो आप क्या बताओगे, सीता को बताओगे और किसको बताओगे? सीता ने गीत गाया, ये तो पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट की बात है तो सीता के बाद क्या लग जाएगा, ने लग जाएगा, सीता ने गीत गाया। तो देखो शून्य प्रसर्ग हो तो भी कर्ता है और ना हो तो भी। अच्छा ये जरूरी नहीं कि हमेशा ने आए, कई बार परिस्थिति के अनुसार कर्ता के बाद कुछ और भी लग जाता है। जैसे हमने कहा क्या कि राम को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, राम को मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तो जहां पर चाहिए का अर्थ होता है हमेशा को आता है कर्ता के बाद, लेकिन राम अब भी करता है। ये थोड़ा सा कारक के अनुसार ये चिन्ह भी कई बार चेंज हो जाते हैं, पर चिन्ह अगर चेंज हो जाए तो उसमें बच्चों पजल नहीं होना आपने कभी, आपने केवल ये देखना है कि यहाँ पर करने वाला कौन है। राम को पढ़ना चाहिए तो चाहिए के अर्थ में तो हमेशा को आएगा कर्ता के बाद, है ना। हम कहते हैं ना कि सुनील को किताब चाहिए, है ना, तुमको सच बोलना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में कर्ता के बाद को आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें पजल होने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो कर्ता जो कारक है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला जो कारक है वो कौन सा है कर्ता के बाद, नंबर दो पर है कर्म, नंबर दो पर है कर्म, और कर्म का विभक्ति चिन्ह को होता है। अब कर्म को आप अच्छी तरह पहचानते हो, अब आप कर्म में मेरे ख्याल से तो कभी गलती करोगे नहीं कि कर्म को पहचानने में, है ना, आप कर्म को पहचानने में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो कर्म के बारे में तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि कर्म क्या होता है, अभी अभी भी हमने बात की थी, है ना। तो कर्म कौन किसको बोलते हैं, देखो कर्ता के बाद आप लिख सकते हो क्रिया को करने वाला। कर्म किसको बोलते हैं कि जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कौन सा होता है, वो कर्म होता है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि मोहन किताब को पढ़ता है, या मोहन किताब पढ़ता है, एक ही बात है, मोहन किताब को पढ़ता है या मोहन किताब पढ़ता है, तो एक ही बात है। तो यहाँ पर को किताब क्या है, ये कर्म है, कर्म को वैसे भी आप पहचानते हो, इसमें आप गलती नहीं करोगे। नंबर तीन पर कौन सा है, करण, नंबर तीन पर होता है करण, और करण का चिन्ह क्या है, से या के द्वारा, करण का विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो करण कारक किसे कहते हैं कि जिसके द्वारा करण क्या, ब्रैकेट में साधन लिख लो पहले, तो जिसके द्वारा भी लिख सकते हो या आप यूं भी लिख सकते हो कि जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है उसको क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं, यानी कि क्रिया करने का साधन। तो इसका चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। जैसे वह बस से चला गया, वह बस से चला गया, ठीक है ना। शाम चम्मच से दवाई लेता है, ठीक है ना, दवाई कहाँ से ले रहा है, शाम चम्मच से ले रहा है भी, ठीक है ना। फिर हमने कहा वह कानों से सुनता है, तो कान क्या हो गए, ये भी साधन है भाई, सुनाई किसके द्वारा देता है, कानों के द्वारा, तो कान क्या है, ये भी यहाँ पर साधन है, ठीक है ना। हमने कहा कि सुनील
सुनील पेन के द्वारा लिखता है, सुनील पेन के द्वारा लिखता है, तो लिखने का साधन क्या है? पेन है यहाँ पर, ठीक है ना। माली पाइप से पौधों को पानी देता है, तो पानी देने का साधन क्या हो गया? पाइप हो गई ना, तो पाइप तो करण कारक है। चपड़ासी हथौड़े से घंटी बजाता है, मान लो हमने यूं कह दिया चपड़ासी हथौड़े से घंटी बजाता है, तो यहाँ पर हथौड़ा क्या हो गया? हथौड़ा यहाँ पर करण कारक हो गया, ठीक है। तो करण कारक हमेशा उसको कहा जाता है जिससे क्रिया के साधन का बोध हो, जिससे क्रिया के साधन का क्या हो? बोध हो। वह झाड़ू से फर्श धोता है, तो झाड़ू क्या है? साधन है फर्श को धोने के लिए, है ना। झाड़ू क्या हो गया? साधन हो गया। वह बाइक से जा रहा है, तो बाइक क्या है? साधन है, जाने के लिए साधन क्या है? वो बाइक है, है ना। वह आंखों से देखता है, तो आंख क्या हो गया? वो भी साधन है, आंख भी साधन है। वह आंखों से देखता है, तो आंख क्या है? ये करण कारक है। तो जहां पर किसका बोध हो? क्रिया के साधन का बोध हो, कि क्रिया हो किस साधन के द्वारा रही है, क्रिया किस साधन के द्वारा हो रही है, ठीक है ना। वह बैट से खेलता है, वह बॉल से खेलता है, वह खिलौनों से खेलता है, ठीक है ना। वह मन से पढ़ रहा है, मन से, तो मन क्या है? ये भी साधन है। अगर आ जाए ना, वह मन से पढ़ रहा है, मन से पढ़ता है, मतलब एक तो हो कि मजबूरी में पढ़ रहा हो, और एक हो कि मन लगाकर पढ़ रहा हो, तो मन क्या हो गया? ये भी साधन हो गया। तो जो क्रिया के किसका बोध करवाए? साधन का बोध करवाए, या जिस साधन के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है वो कौन सा होता है? वो हमेशा करण कारक होता है। के बाद नंबर चार पर देखिए, अगला है हमारा कौन सा? संप्रदान कारक। संप्रदान का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए या को, के लिए या को। तो संप्रदान का मतलब क्या? कि जिसके लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, या किसी को कोई चीज दी जाती है, दी जाए, तो वहां संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है ना। जिसके लिए क्रिया की जाए या किसी को कोई चीज दी जाए, तो वहां कौन सा कारक होता है बच्चों? वहां संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए क्रिया की जाए, पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि क्रिया कैसे की जाती है। जैसे वह सफल होने के लिए, वह सफल होने के लिए पढ़ता है। पढ़ किस लिए रहा है? कि सफल होना चाहता है। वह ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ता है, यूं भी लिख सकते हो। किस लिए पढ़ रहा है? ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर हमने कहा कि अध्यापक, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाया, तो किसके लिए लाया? विद्यार्थियों के लिए ना। फिर हमने कहा कि माताजी, माताजी बच्चों के लिए खाना पकाती है, बच्चों के लिए खाना पकाती है। तो यहाँ पर बच्चे क्या है? ये संप्रदान कारक है, है ना। बच्चे क्या है? ये संप्रदान कारक है। जैसे हमने कहा कि माली पौधों के लिए, माली पौधों के लिए पानी देता है, तो यहाँ पर पौधे क्या है? संप्रदान कारक है। अब अपने को कोई पूछ ले कि संप्रदान कारक बता दो कहाँ है, तो वह सफल होने के लिए, तो किसके लिए सफल होने के लिए वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। अध्यापक विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी संप्रदान कारक है। बच्चों के लिए, तो यहाँ बच्चे हैं संप्रदान, यहाँ पर पौधे हैं संप्रदान, ठीक है ना। तो जहां पर किसी के लिए जब
कोई काम किया जाए। राम ने रावण को सीता के लिए मारा, है ना, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। वह दिल्ली जाने के लिए घर से निकल पड़ी, किसके लिए भाई, दिल्ली जाने के लिए, यानी कि जिसके लिए कोई काम किया जाए वो दिल्ली जाना चाहती है, इसलिए घर से निकल पड़ी, है ना। जहां पर जिसके लिए कोई काम किया जाए, पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, जहां के लिए आएगा ना वहां पर चाहना अर्थ हो जाएगा, अर्थ कौन सा हो जाएगा, चाहना। तो जिसके लिए कोई काम किया जाए वहां पर कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए कोई काम किया जाए। फिर हमने एक बात और लिखी कि या किसी को कोई चीज दी जाए, यानी कि जब किसी उद्देश्य को, किसी उद्देश्य से, मरकर बदल लेते हैं, शायद दिखाई नहीं देगा आपको, जहां पर किसी उद्देश्य से क्या किया जाए, कोई चीज दी जाए, कोई चीज दी जाए, यानी कि कोई उद्देश्य को ध्यान में रखकर कोई चीज दी जाए। जैसे हमने कहा कि वह सूर्य को पानी देता है, तो एक उद्देश्य है, वो क्या है, वो धर्म है, है ना, ये एक धार्मिक भावना है कि सूर्य को पानी देने से भाई जो सूर्य ग्रह है वो प्रसन्न होते हैं, है ना। तो एक मतलब धार्मिक भावना के तहत सूर्य को क्या देता है, पानी, यानी कि यहाँ पर सूर्य को पानी देने का कोई ना कोई क्या है, उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद यूं कह दिया जाए कि राजा याचक को धन देता है, तो कोई उद्देश्य है ना देने का, क्या उद्देश्य है, कि भाई राजा चाहता है कि धन मिले तो भाई मेरी भी प्रशंसा हो, कि सबको देता है ये। फिर हमने कहा वह ब्राह्मणों को दान देता है, ब्राह्मणों को दान देता है, ठीक है ना। तो दान देने का क्या है, एक उद्देश्य है, दान देने का क्या है, यहाँ पर एक उद्देश्य है, ब्राह्मणों को क्या देता है, दान देता है। राम श्याम को 10,000 रुपये देता है, राम श्याम को 10,000 रुपये देता है, तो एक उद्देश्य के तहत दिए जा रहे हैं। कोई उद्देश्य है, कोई काम करवाना है, शायद राम को श्याम से कोई चीज मंगवानी हो, इसीलिए क्या कर रहा है, 10,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। संप्रदान के बाद अगला हम कार्य करते हैं, अगला है हमारा कौन सा, नंबर 5 पर हमारा कारक है अपादान। अगला है हमारा कौन सा, अपादान। अपादान का चिन्ह होता है से अलग होना, इसका चिन्ह क्या है, से अलग होना। आपने इसको हमेशा याद ही यूं करना है, क्योंकि से तो अपने पास करण कारक में भी आया था ना, ये बार देखिए आया था ना, येरा से यहां भी आया था अपने पास, और से अपने पास यहां भी आ चुका है, कहां पर, अपादान से अलग होना। तो अपादान कारक कहां होता है, जहां पर अलग होने का भाव पाया जाए, किसका भाव, अलग होने का भाव पाया जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान होता है। जहां पर अलग होने का क्या पाया जाए, भाव पाया जाए, किसी से कोई दूसरी चीज क्या हो रही हो, अलग हो रही हो, वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा, भी हमेशा अलग होने का भाव पाया जाता है। जैसे हमने कहा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना, है ना, वृक्ष पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जहां अलग होने का भाव होगा हमेशा अपादान कारक मिलेगा भाई। फिर आपको ये पूछ लिया जाए कि यहाँ पर अपादान कारक किस में है, वृक्ष में है या पत्ते में है, ये बात भी पूछी जा सकती है कि बताओ यहाँ पर अपादान कारक है किस में, वृक्ष में या पत्ते में, तो आप क्या कहोगे, वृक्ष में। ज्यादातर बच्चे पत्ता करके आएंगे, क्योंकि बच्चा सोचता है कि जो चीज अलग हो रही है ना
अपादान कारक उसमें होता है, लेकिन नहीं, अलग होने वाली चीज में कभी भी अपादान कारक नहीं होता। अपादान कारक उसमें होता है जिससे कोई चीज अलग हो रही हो। अब वृक्ष से पत्ता गिर रहा है ना, तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अपादान कारक किस में है, वृक्ष में है, ठीक है। फिर हमने कहा कि आकाश से तारा टूटता है, आकाश से तारा टूटता है, तो अपादान कारक आकाश में है, टूटने वाले तारे में नहीं है। तारे में अपादान कारक नहीं है, अपादान कारक किस में है, आकाश में है। बच्चा छत से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया, तो अपादान कारक छत में है, अलग होने वाले बच्चे में नहीं है। यानी कि जिसके बाद से लगता है ना, सीधा सी पहचान बता दूं आपको, जहां पर जिस शब्द के बाद से लगेगा अपादान कारक हमेशा उसमें ही, जिस शब्द के बाद क्या लगेगा, से लगेगा, क्योंकि से किसका भाव बता रहा है, अलग होने का, है ना। तो देखो, बच्चा छत से गिर गया तो अपादान कारक किसमें है, छत से है। आप कहें बंदर छत से कूद गया या बंदर पेड़ से कूद गया, तो अपादान कारक पेड़ में है, बंदर में नहीं है, कूदने वाले के अंदर। फिर अपादान कारक के लिए आप केवल इतना मत समझना कि ये केवल अलग होने का भाव हो वहीं पर होता है, ऐसी बात नहीं है भाई। अपादान कारक बहुत जगह पाया जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, जहां पर निकलने का भाव हो, निकलना, जहां पर क्या हो, निकलने का भाव हो। जैसे हमने कहा कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहां पर निकलने का भाव है ना। या हमने कहा कि कोयला खदानों से निकलता है, खदानों से निकलता है, तो यहां पर निकलने का भाव पाया जा रहा है ना। या हमने कहा कि भाई कोई भी ऐसी बात है, जहां पर यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो वहां पर निकलने का भाव है ना। गंगा गंगोत्री से निकलती है या गंगा हिमालय से निकलती है, जहां भी निकलने का भाव हो, है ना। रत्न समुद्र से निकलते हैं, रत्न कहां से निकलते हैं, समुद्र से, तो जहां पर निकलने का भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है। दूसरी बात क्या कि जहां पर दूरी का भाव हो वहां भी अपादान कारक होता है, जहां पर किसका भाव हो, दूरी का भाव हो। जैसे हमने कहा कि दिल्ली हिसार से 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ अपादान कारक किस में है भाई, हिसार में है। हमारा घर विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। यहाँ से नीम का पेड़ 2 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा, जहां पर दूरी का भाव बताया जाए। उसके बाद क्या, जहां पर डर का भाव हो वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे वह शेर से डरता है, वह शेर से डरता है, तो यहां पर भी अपादान कारक है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ये इसी साल एस्टेट का पेपर हुआ था, 3 और 4 जनवरी को 2021 में ही। आपको पता भी होगा कि जनवरी के महीने में एस्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया था, वह शेर से डरता है, और ये पूछा था कि इसके अंदर कारक बताओ कौन सा है। तो जहां भी डरने का भाव हो ना, हमेशा अपादान कारक होता है। जैसे हमने कहा कि बच्चे अध्यापक से डरते हैं, ठीक है ना, बच्चे पिताजी से डरते हैं, वह छिपकली से डरता है, जहां डरने का भाव हो अपादान कारक होगा। फिर जहां पर सीखने का भाव हो, सीखना, वहां भी अपादान कारक होता है। सीखना कैसे, जैसे हम क्या कहेंगे कि वह अध्यापक से अंग्रेजी सीख रहा है, तो जहां सीखने का भाव होगा ना, वहां अपादान कारक होगा। वह शीला से सिलाई सीख रही है, या मीना शीला से सिलाई सीख रही है, ठीक है। उसके बाद देखो, जहां पर सीखने के बाद हम लिखेंगे
जहां पर शर्म का भाव हो, आप इसको लज्जा भी बोल सकते हो, शर्म का या लज्जा का भाव हो वहां भी अपादान कारक होगा। जैसे वह ससुर से लज्जाती है, वह क्या करती है, ससुर से लज्जाती है, तो जहां पर लज्जा का भाव होता है वहां पर भी अपादान कारक ही होता है। ठीक है, बहू ससुर से, ओ वह लिख दिया ना, बहू भी लिख सकते हैं आप इसको, बहू ससुर से लज्जाती है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एक और बात देखिए, जहां पर घृणा का भाव हो वहां भी अपादान कारक होता है। जैसे राम गंदगी से घृणा करता है, राम गंदगी से घृणा करता है। ठीक है, तो आप ये सभी बातें याद रखिएगा, एक बार देख लेते हैं कि जहां पर एक तो अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है, फिर उसके बाद निकलने का भाव हो, दूरी का भाव हो, डर का भाव हो, सीखने का भाव हो, शर्म का या लज्जा का भाव हो, या फिर घृणा का भाव हो, वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। ठीक है ना, ये सात बातें मैंने आपको बताई, इन सातों बातों को याद रख लेना, जहां भी इनसे बना हुआ वाक्य आ जाए वहां कारक कौन सा होगा, अपादान होगा। ये बात देखिए, अपादान के बाद नंबर 6 पर कौन सा है अगला हमारा, संबंध कारक, जो कि एक गौण कारक माना जाता है। संबंध का चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह का के की या फिर रा रे और री, ये कारक चिन्ह होते हैं, काके की या रा रे री। जैसे हमने कहा कि वह राम का भाई है, वह राम का क्या है, भाई है, तो राम का और उसका आपस में संबंध क्या है, भाई भाई का है ना। फिर हमने कहा कि शीला के पिताजी खड़े हैं, शीला के पिताजी खड़े हैं, तो शीला का और उस व्यक्ति का संबंध है जैसा पिता और पुत्री का। फिर हमने कहा कि भगवान राम दशरथ जी के पुत्र थे, तो यहाँ पर पिता और पुत्र का संबंध है ना। रारे भी आ सकता है कि तुम्हारी किताब अच्छी है, कि जो तुमने किताब ले रखी है ना वो क्या है, अच्छी है, तो री आ गया। फिर हमने कहा कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, तो यहाँ पर क्या, रा आ गया। तो जहाँ पर काके की आ जाए या रारेरी आ जाए वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। ये तो आसानी है, कर लोगे, काके की आ जाए या क्या आ जाए, रारेरी आ जाए। उसके बाद देखिए नंबर 7 पर हमारा कौन सा है, अधिकरण कारक है, अधिकरण। नंबर 7 पर हमारा कारक कौन सा है, अधिकरण कारक। अधिकरण के आप ब्रैकेट में लिख लीजिए आधार, ठीक है, और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, में और पर, ठीक है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है, यह विभक्ति चिन्ह, में और पर। तो देखिए अधिकरण कारक किसे कहा जाता है, जो क्रिया के आधार का बोध करवाए, जो क्रिया के आधार का क्या करवाए, बोध कराए, जो क्रिया के आधार का बोध कराए उसको क्या बोलते हैं, अधिकरण कारक बोलते हैं, ठीक है ना। किसका बोध करवाता है भाई, क्रिया के आधार का क्या करवाता है, बोध करवाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अधिकरण कारक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे में और पर, हमने कहा कि बंदर छत पर बैठा है, तो ये जो बैठने की क्रिया है इसका आधार क्या है, छत है भाई, क्रिया के आधार का बोध करवाएगा ना,
तो जो बैठने की क्रिया है उसका आधार क्या है? सत है। हमने कहा कि वह युद्ध भूमि में, वह युद्ध भूमि में मारा गया, वह युद्ध भूमि में मारा गया, तो मरने का आधार क्या था? युद्ध भूमि था। जहां पर क्रिया के आधार का बोध हो भाई, मैं और पर आ जाए। हमने कहा पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ने का आधार क्या है? आकाश है। कुत्ता गली में, कुत्ता गली में भौंकता है, तो भौंकने का आधार क्या है? गली है। जो क्रिया के आधार का बोध करवाए, है ना, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ता है, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ता है, फिर वह स्कूल में जा रहा है, तो जाने का आधार क्या है? स्कूल है, स्कूल में जाएगा भी। तो अधिकरण कारक वहां होता है जो क्रिया के आधार का क्या करवाए? बोध करवाए। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है? संबोधन। लास्ट है हमारा कौन सा? संबोधन। और संबोधन का चिन्ह क्या होता है? हे, अरे और रे। और अब ये नाम से पता चल रहा है क्या क्या किया जाए? संबोधित किया जाए। हमें नाम से पता चल रहा है कि क्या किया जाए? संबोधित किया जाए किसी को। लेकिन ये जो हे, अरे और रे होता है ना बच्चे, इसको कारक चिन्ह नहीं माना जाता, बल्कि ये विस्म्यादि बोधक अव्यय होते हैं। ये विस्म्यादि बोधक क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और अव्यय के बारे में मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि अव्यय वो होते हैं जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता। बाकी अव्यय का टॉपिक मैंने आपको करवाना है, ये मैं करवा दूंगी आपको, क्योंकि अव्यय का इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये कारक चिन्ह नहीं कहे जाते वैसे, ये विस्म्यादि बोधक अव्यय है, पर इनको कारक चिन्हों में गिन लिया जाता है भाई। देखो अब गिनने वाले हैं तो गिन लेते हैं, बाकी ये कारक चिन्ह होते नहीं है, ये विस्म्यादि बोधक अव्यय होते हैं जिनका रूप कभी भी नहीं बदलता। दूसरी बात क्या है इनके बारे में, एक और बात सुनो कि वैसे तो कारक वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद में लगते हैं, पर ये उनसे पहले लगेंगे भाई, ये संज्ञा और सर्वनाम से पहले लगेंगे, ये बाद में नहीं लगते। कैसे? जैसे हमने कहा कि हे भगवान, तो ये तो भगवान से पहले हे लग गया, लगना तो बाद में चाहिए था। कारक चिन्ह तो वही पढ़ रहे हैं ना हम लोग जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में लगकर और क्रिया से उसका संबंध बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद लगकर क्रिया से उसका क्या बताए? संबंध बताए। लेकिन ये ऐसे चिन्ह होते हैं जो पहले लगकर आ जाते हैं और संबोधित करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ठीक है। फिर हमने कहा कि अरे मोहन, अरे मोहन इतने दिन कहाँ थे, इतने दिन कहाँ थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? संबोधित कर रहे हो, है ना। फिर हमने कहा रे सोहन, रे सोहन तू बोलता क्यों नहीं है, तू बोलता क्यों नहीं है, यानी कि जहां पर क्या किया जाए? संबोधित करने का काम किया जाए, संबोधित करने का क्या किया जाए? काम किया जाए, वो संबोधन होते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आपको कारक का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। फिर भी मैं एक एग्जांपल और लिख देती हूँ, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा क्या, कि हे भाई राम ने रावण को, हे भाई राम ने रावण को बाण के द्वारा, राम ने रावण को बाण के द्वारा सीता के लिए, सीता के लिए वानरों की सहायता से, सीता के लिए, एक मिनट ठहरो,
रथ से उतरकर वानरों की सहायता से युद्ध भूमि में मार दिया। ठीक है, अब इस एक ही लाइन के अंदर मैंने क्या कर लिए, इसके अंदर सारे के सारे मैंने आठों कारक ले लिए भाई, सारे के सारे कारक आ चुके हैं इसके अंदर। वो कैसे, हे भाई ये कौन सा है, संबोधन। ये कौन सा कारक है भाई, संबोधन। मार्कर चेंज करूं क्या, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। हे भाई कौन सा है, संबोधन। ये संबोधन क्यों आया शुरू में, क्योंकि किसी को भी संबोधित शुरू में ही किया जाता है, बाद में थोड़ी ना किया जाता है। राम ने, राम कौन है, कर्ता, ये कर्ता कारक है ना। इस सारे काम को करने वाला यानी कि ये जो मारना जो क्रिया है ना, मारना, इसको करने वाला कौन है, राम है। रावण को, रावण कौन, कर्म है। हमने क्या कहा, रावण जो कर्म है वो घटेगा, कम होगा, खराब होगा। तो यहाँ पर जो मारा जाएगा कौन, रावण। ना राम का बिगड़ेगा, ना सीता का बिगड़ेगा, ना किसी और का, मारा कौन जाएगा, रावण मारा जाएगा। ठीक है, और बाण के द्वारा ये मारने का साधन था, तो कारक कौन सा हो गया, करण कारक हो गया। मारने का साधन क्या था, बाण था। और ये क्रिया की किसके लिए, सीता के लिए। क्रिया किसके लिए हुई, सीता के लिए। तो ये कौन सा कारक है हमारा, ये संप्रदान कारक हो गया है ना। रथ से अलग हो गए तो कौन सा हुआ भाई, अपादान हो गया। वानरों की सहायता ली तो कौन सा हो गया, यहाँ पर संबंध हो गया, वानरों से संबंध बनाया। युद्ध भूमि में ये कौन सा है, अधिकरण। ये कौन सा है भाई, अधिकरण। मारा कहाँ, युद्ध भूमि में। क्रिया का आधार क्या था, युद्ध भूमि था। यानी कि हमारे पास आठों के आठों कारक एक ही इस लाइन के अंदर आ चुके हैं। समझ में आया ना, कर्ता कौन, काम को करने वाला। कर्ता कौन, काम को करने वाला। कर्म कौन, जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। करण क्या, साधन है। सीता क्या है, संप्रदान है, सीता के लिए काम किया जा रहा है। रथ से अलग हो गए तो अपादान हो गया। वानरों से संबंध बनाया तो संबंध कारक हो गया। और क्रिया हुई कहाँ, युद्ध भूमि में, तो ये क्या है, ये अधिकरण कारक। तो आपको अच्छी तरह ये कारक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम करते हैं अपनी क्लास को एंड। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, और कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, कौन सा, काल का। तो आप सभी का थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।